और आज जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से बेल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, आज भी उस सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं और जेल में अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य धीरे 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 करकर और खराब होता जा रहा है। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ सीरियस हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, जिन्होंने उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई की फर्जी गिरफ्तारी करवाई। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। पिछले कुछ हफ्तों में उनका शुगर लेवल बहुत खतरनाक लेवल तक गिर गया है कई बार। कोई डॉक्टर आपको बताएंगे, और अभी दो डॉक्टर्स यहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद भी हैं, वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक शुगर के मरीज को हाई शुगर लेवल से बहुत ज्यादा खतरा लो शुगर लेवल से होता है। अगर शुगर लेवल 70-60 से नीचे आ जाता है तो कुछ भी उस व्यक्ति को हो सकता है। सोते हुए व्यक्ति लो शुगर लेवल की वजह से कोमा में जा सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उनको सीजर्स हो सकते हैं, उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल रात की नींद में 5 बार से ज्यादा 50 के नीचे पहुंच गया, खतरनाक लेवल्स पे पहुंच गया। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनका वजन 70 किलो था, और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 kgs है, 8.5 किलो कम। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस खतरनाक बीमारियों का इंडिकेटर होता है। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, सीरियस किडनी प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर का भी द्योतक होता है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में है, और आज जेल में होने की वजह से उनको सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को खतरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश, तो क्या भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा।